नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सुर्खी: विधानसभा उपचुनाव मतदान के चलते आज वार्ड क्रमांक 3 के निवासी 53 वर्षीय जमुना प्रसाद अहिरवार पैरलेक्स बीमारी से जूझ रहे हैं। उसके बाद भी उनकी इच्छा मतदान करने की थी। फोर व्हीलर गाड़ी से उनके लड़के द्वारा मतदान केंद्र ले जाया गया। उनके लड़के सुदीप अहिरवार ने अपने पिता की इच्छा अनुसार अपने पिता का मतदान किया और अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। दीपक जैन डैनी ने बताया कि जमुना प्रसाद जी हमारे चाचा जी हैं, हमारे वार्ड के बड़े सम्मानीय वरिष्ठ नागरिक हैं और उनकी हमेशा इच्छा रही है मतदान करने की। जमुना प्रसाद ने बताया, मैं स्वस्थ रहूं या आश्वस्त रहूं, मतदान ज़रूर करूंगा। इस मौके पर दीपक जैन डैनी जी ने उनका और उनके परिवार का आभार व्यक्त किया। सागर राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। हमारे चाचा जी हैं जमुना प्रसाद अहिरवार जी, हमारे वार्ड के बड़े सम्मानीय और वरिष्ठ नागरिक, और उनकी हमेशा इच्छा रही है कि जब भी आपकी ज़रूरत रहेगी तो मैं मतदान करने, चाहे स्वस्थ हूँ चाहे अस्वस्थ अवस्था हूँ, मैं कभी जरूर करूँगी। तो आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको और उनके बेटे, उनके पूरे परिवार को, कि ऐसी स्थिति में शायद कोई अपने पिताजी को नहीं ले आता जो बिल्कुल ही निश्चेतन अवस्था में है। लेकिन आज परिवार और सारे लोगों ने हमारी बात मानी और अपना अमूल्य मत का उपयोग किया, जो कि हमारे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की विकास और तरक्की के लिए आवश्यक था। क्या नाम है आप? हमारा नाम सुदीप कुमार अहिरवार है। ये आपके पिताजी हैं? हाँ, ये हमारे पिताजी। इनको क्या स्वास्थ्य में क्या प्रॉब्लम? इनके लिए 5 बार पैरालिसिस हो गया है, इसलिए वो अचेतन अवस्था में आ गए। इनका नाम जमुना प्रसाद अहिरवार। तो आप वार्ड नंबर 3 के निवासी हैं। मतदान कराने ले गए थे जी, इनका आपने किया? हाँ, इनका मतदान हमने किया, उनकी इच्छा से किया। उनकी मतलब इच्छा थी कि हमें और मतदान करने का, जब भी अवसर मिले तो मतदान करें जी। अब वो अचेतन हो गए तो हमने किया, उनका मतदान उनको साथ में ले गए थे। अच्छा, ठीक है।